भारत माता की। अरे अकबरपुर वाले ऐसे बोलते हैं क्या है? देखो मोदी जी अभी दिल्ली में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए अकबरपुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन के गुस्से की मुट्ठी भींचकर बुलंद आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए राजा सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर जी, यहां के जिला अध्यक्ष श्री शिव नायक वर्मा जी, लोकप्रिय और मेहनती सांसद हमारे भाई हरिओम पांडेय जी, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी जिनको आपने विधायक बनाना है ऐसे चंद्र प्रकाश वर्मा जी, इस विधानसभा के प्रभारी राजेश सिंह जी, चौधरी महान सिंह जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, श्री रामचरण राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री यमुना प्रसाद जी, श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी जी, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, चार चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 27 तारीख को आप लोग भी वोट डालने जाने वाले हैं ना। विगत एक साल से मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में दौरा कर रहा हूं, मैं पश्चिम में भी गया, अवध में भी गया, रुहेलखंड में भी गया, काशी भी गया, गोरख भी गया, और आज ये अम्बेडकर नगर में भी दूसरी बार आ रहा हूं। मैं जहां जहां गया मैंने अपार भीड़ देखी है, अपार भीड़ देखी है, और उससे मुझे मालूम पड़ता है भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, आंधी। मित्रों आप मेरी बात मानकर चलना, 11 मार्च 2017 को दो तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मगर आप मैं यहां आया हूं अकबरपुर में कहने कि 27 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो भाई वर्मा को एमएलए बनाने के लिए मत दबाना, मुख्यमंत्री को बदलने के लिए मत दबाना, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत दबाना, कमल के निशान पर बटन उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए दबाना है। आप मुझे बताओ भैया, 15 साल से सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो चला रखा है उत्तर प्रदेश का भला हुआ है क्या? हुआ है? 15 साल बहुत बड़ा समय होता है किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी प्रदेश के जीवन में। मित्रों ये पुआ भतीजा ने 15 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। मुझे बताइए अकबरपुर वाले बताए, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? गन्ना किसानों को समय पर पेमेंट मिलता है क्या? आपके धान की खरीदी समर्थन मूल्य से यूपी सरकार करती है क्या? ये माताएं बहनें सुरक्षित है क्या? व्यापारी सुरक्षित है क्या? युवाओं को रोजगार मिला है क्या? अस्पताल गांव में खुले हैं क्या? सस्ती दवाई की दुकान है क्या? अरे भाई आप तो सब में नहीं 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 कह रहे हो, और ये अखिलेश बाबू कहते हैं काम बोलता है, कुछ काम हुआ है क्या?
जरा जोर से बोले हुआ है। अरे अकबरपुर वालों अन्याय मत करो, कुछ तो हुआ है। अरे मैं बताता हूँ कुछ हुआ है, बताओ। देखो ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने खून करने में, हत्या करने में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना दिया। हम 23 बलात्कार होते हैं, 23 माताओं के साथ बेटियों के साथ अत्याचार होता है। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना दिया। चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण, इस सारे मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बना दिया है। जो नंबर वन बना दिया, पहले तो अकेले ही थे, अकेले थे तब भी इतनी परेशानी थी, अब तो दो हो गए हैं। दो हुए ना, दो सहजादों को हर रोज देखते हैं ना, देखते हैं नहीं देखते हैं मित्रों? इन दो सहजादे कैसे हैं मैं बताऊं आपको? एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है, और दोनों से उत्तर प्रदेश परेशान है। मित्रों ये दो पार्टियों का मिलन नहीं है, दो विचारधाराओं का मिलन नहीं है, ये दो भ्रष्टाचारी कुनबों का मिलन हुआ है। और मित्रों अभी अभी मैं देख रहा हूं राहुल जी ने एक यात्रा निकाली थी कुछ महीने पहले, निकाली थी ना, वो कहते थे 27 साल यूपी बिहार। अब जैसे ही अखिलेश जी के साथ बैठे 27 में गिनती गड़बड़ा गई, अब कहते हैं 17 साल यूपी बिहार। अरे राहुल बाबा वो 10 साल कहा गए तो पहले बोलते थे, इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को दीजिए। मगर उनके मन में से, राहुल जी के मन में से कहीं कहीं सच निकल आता है। अभी बस्ती में एक सभा करी, एक सभा राहुल गांधी ने करी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए करी, उसमें राहुल गांधी ने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी ही नहीं मिली। अभी गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए वोट मांगने, वो भूल गए कि यहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। मैं नहीं कहता भैया, राहुल गांधी स्वीकार कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उनको नौकरी युवाओं को 5 साल में नहीं मिली। मित्रों आप बताइए एक गठबंधन उत्तर प्रदेश का भला कर सकता है क्या? कर सकता है? ये अभी अभी राहुल गांधी बड़े जोर जोर से बोलते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं। मोदी जी बताओ 2.5 साल में आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा आप मोदी जी को सवाल पूछोगे? मित्रों राहुल बाबा को मैं पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा आपके पर नाना जवाहरलाल जी ने इस देश पर शासन किया, आपकी नानी इंदिरा गांधी ने किया, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, आपकी माता सोनिया गांधी ने किया, 60 साल तक इस देश पर एक ही परिवार ने शासन किया, वो परिवार गांधी परिवार आपका परिवार है। आप इस अकबरपुर वालों को जवाब दो, 60 साल में आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। ये अकबरपुर वाले 60 साल में गरीब के घर में पीने का पानी नहीं पहुंचा, गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा, गरीब के घर में शौचालय नहीं पहुंचा, गरीब के घर में गैस का चूल्हा भी नहीं पहुंचा, और आप 60 साल का इंतजाम, 2.5 साल का इंतजाम मांगते हो? राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, हमने तो 2 साल में इस देश की 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा दिया। सिर्फ अकबरपुर जनपद के, अकबरपुर जनपद के 77,000 गरीब माताओं का घर में गैस का चूल्हा पहुंचा।
काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ये हम कई काम मानते हैं। मित्रों, राहुल गांधी को हिसाब दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए बताओ, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार जो आपने बनाई है, कमलपुर की सरकार, भाजपा की सरकार, वो ढाई साल के अंदर हर 15 दिन में गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए एक योजना लेकर आई। हर 15 दिन में एक योजना, ढाई साल में 93 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने लाई है। ये राहुल बाबा के इसलिए मैं पूरा सूची लेकर आया हूं। देखो, मुझे आज 5 सभाएं करनी है। पहली है, जरा देरी से चल रहा हूं मैं, सूची जोर से पढ़ता हूं। आपको लगे मोदी जी ने बहुत किया है तो ताली बजाकर रोक लेना, ठीक है? पढ़ू जोर से? अरे यार ऐसे नहीं बताओ, पढ़ू मैं पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा पेंशन योजना, सांसद। अरे भाई, अभी तो 8 तक ही पहुंचा हूं मैं। एक 93 योजना है हमने भेजी है, मगर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीच में एक निकम्मी समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो योजनाओं को नीचे नहीं पहुंच सकते। मित्रों, आप बताइए, मैं आपको बताने आया, एक बड़ा बिजली का कारखाना है और बिजली को उत्पादन करता हूं, और बड़े बड़े हाई टेंशन लाइन से वो दिखाई पड़ते हैं, ऐसे वायरों से गांव के ऊपर से बिजली जाए तो ट्रांसफॉर्मर के बगैर आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? गांव में आ सकती है क्या? ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना। देखो, मोदी जी हर रोज योजनाएं बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भेज रहे हैं, मगर लखनऊ में यूपी सरकार का जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया। आप बताओ, ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? किसे बताओ क्या करते हैं? क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दो एक समाजवादी पार्टी की सरकार को, और दो तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मित्रों, मैं बताने आया हूं, 5 साल में हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे, नंबर 1। मित्रों, मैं आपके साथ बात करने आया हूं। जमीन भूमि, ये भूमि महान राजा सोहेलदेव के संघर्ष की भूमि, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए 26 से ज्यादा राजाओं को एकत्रित होकर सलार गाजी को यहां इसी भूमि पर परास्त किया था। मित्रों, इसी भूमि पर, और पूरे देश में तो परास्त नहीं हुए, उसका मस्तक इसी भूमि पर कट कर गिर गया था। मित्रों, ये राजा सुहेलदेव की भूमि। अकबरपुर वालों ने परिवर्तन कर पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश देना है। मित्रों, हम सिर्फ सामने वालों को खाली बोलकर वोट लेना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विकास का एक खाका बनाया है। किस तरह से 5 साल में उत्तर प्रदेश का विकास होगा, हमारे घोषणा पत्र के अंदर लेकर आए हैं। तीनों पार्टियों ने, अपना दल राजा सुहेलदेव पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, एक साझा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें हमने किया है, कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनते ही लघु और सीमांत किसानों का ऋण पूर्णतया माफ कर दिया जाएगा। नई जो लोन चाहिए उस पर आगे पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। मित्रों, हमने तय किया है कि गन्ना किसानों का पेमेंट एक एक दो दो साल तक नहीं होता है,
वो गन्ना किसानों का पेमेंट जिस दिन गन्ना चीनी मिल पर डाला जाएगा उसी दिन उसको 14 दिन के डिफरेंस का अंतर का चेक दे दिया जाएगा। संपूर्ण धान की खरीदी होगी, बच्चियों की कॉलेज तक की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मित्रों, हमने तय किया है, अभी अभी आपके नारे लगाने हैं। आपको युवाओं लैपटॉप मिला है क्या? जरा जोर से बोलो, मिला है? क्यों नहीं मिला भाई? ये तो कहते हैं बहुत बांटा है, क्यों नहीं मिला, कहां गया? वो इसलिए नहीं मिला कि वो पहले आपका धर्म पूछते हैं, धर्म कौन सा है। अगर धर्म अनुकूल नहीं आया तो लैपटॉप नहीं देंगे। बाद में जाति पूछेंगे, जाति अनुकूल आई तो लैपटॉप नहीं देंगे। मगर चिंता मत करो युवाओं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है हमारी सरकार बनने के साथ ही जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर सभी युवाओं को लैपटॉप दे दिया जाएगा। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, कार्यालय में बैठता हूं, कार्यालय में बैठता हूं, बहुत लोग मिलने आते। दो तीन महीना पहले एक ताऊ मुझे मिलने आए, उन्होंने कहा कि अमित भाई मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। मैंने बोला, ताऊ क्या हुआ तेरे साथ अन्याय? तुमने कहा मैं एक बैलगाड़ी में गन्ना डालकर चीनी मिल पर डालने के लिए जाता था, बीच रास्ते में अमरूद की रेकड़ी देखी, अमरूद खरीदने गया पोते के लिए, वापिस आया तो मालूम पड़ा मेरा बैल ही गायब हो गया। मैंने बोला, ताऊ इसमें क्या है, बैल गायब हो गया है तो थाने जा, रपट लिखा, आजम खान की भैंस मिल गई थी, बैल भी मिल जाएगा। उसने कहा मेरा बैल नहीं मिलेगा अमित भाई। मैंने बोला, क्यों नहीं मिलेगा? कि कत्ल खाने वाले, ये बुच्चर खाने वालों ने बैल को मार दिया है। मित्रों, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा उसी दिन रात को 12 बजे के पहले एक अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में सारे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। कांग्रेस, सपा, बसपा ने उत्तर प्रदेश पर गाय, बैल, भैंस के खून की नदियां बहाई है। नदियां तो हम भी बहाना चाहते हैं, मगर गाय बैल के खून की नहीं, घी और दूध की नदी बहाई। हमने तय किया है कि 40 नई डेयरी बनाई जाएगी, 25 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, 70 लाख युवाओं को करप्शन के बगैर नौकरी देने का प्रावधान भारतीय जनता। मित्रों, बहुत सारे काम है, मैं कितने बताऊंगा। पूर्वांचल के लिए हर साल 1,000 करोड़ रुपया पूर्वांचल विकास बोर्ड के अंदर अलग से रख लिया गया है। मित्रों, आप सभी को मेरा निवेदन है, भाजपा सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? सपा को आपने मौका दिया, 10 साल दिया या नहीं दिया? बसपा को दिया या नहीं दिया? कांग्रेस को 50 साल मौका दिया या नहीं दिया? एक मौका मोदी जी को दे दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर से एक जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण सब समाप्त हो जाए। भाजपा सरकार बनानी चाहिए, दो तिहाई बहुमत से बनानी चाहिए, मगर ये 15-20 हजार वोटेज से सरकार नहीं बनती भैया। क्या करोगे, क्या करोगे? इतने वोटों से थोड़ी ना सरकार बनती है। मैं बताऊंगा आपका, कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर करिए, है ना सबके पास? तो ये सभा समाप्त होते ही 30 व्यक्तियों को कमल के निशान पर, अपने साथी पक्षों के निशान पर बटन दबाने के लिए आप कहोगे, बहन, बहनों, भांजा, भाभी, चाचा, चाची, बुआ, फूफी, फूफा, कहोगे क्या? पक्का कहोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? अपने भाई वर्मा को विधायक बनाओगे?
दो तिहाई बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे, यूपी के विकास का रास्ता खोलोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की जय।